हेलो एवरीवन, ओपन पेज नंबर 56 इन चैप्टर 4. नाउ वी लर्न अबाउट मल्टीप्लिकेशन बाय 10, 100 एंड थाउजेंड्स. अभी हमने देखा था कि हम कोई भी नंबर है उसे हम सिंगल डिजिट से ही मल्टीप्लिकेशन करते हैं, और टू डिजिट से भी मल्टीप्लिकेशन हमने देख लिया. लेकिन आज हम क्या देखेंगे, मल्टीप्लिकेशन बाय 10, 100 एंड थाउजेंड्स. तो देखो यहाँ पे उसके रूल. When you multiply a number by 10, the product will be the number followed by 10. तो यहाँ पे क्या करना है कि आपको कोई भी नंबर है उसे आपको 10 से मल्टीप्लाई करना है. तो आंसर क्या आएगा, अगर आपको 4 को 10 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या करना है, पहले जो ये 10 में 1 आता है उसे मल्टीप्लाई कर देना है, 4 1 जा 4, और बाद में 10 उसके साथ ज्वाइन कर देना है. अगर आपको 100 से मल्टीप्लिकेशन करना है तो जो जिस नंबर से आपने मल्टीप्लाई किया है वो नंबर रखना है, और लास्ट में 20 ज्वाइंट करना है. और 1000 से मल्टीप्लाई करना है तो वो नंबर, जो नंबर है जिससे हमने मल्टीप्लाई किया था वो नंबर वैसे ही रखना है, और वो लास्ट में 30 है वो ज्वाइंट कर देने है. तो देखो यहाँ पे एग्जाम्पल, 4 × 10, तो यहाँ पे क्या आएगा, देखो ये जो 4 है उसको हमने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो पहले 4 आया, फिर यहाँ पे क्या होगा, ये जो 1 है ना उससे बाद में ज्वाइंट कर देना है. 10 से मल्टीप्लाई करो तो ये जो मल्टीप्लिकेंड है उसके बाद में सिंगल 0 ज्वाइंट करना है. फिर क्या है, 4 × 100, तो इससे 4 को हम क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेंड. तो यहाँ पे हमने क्या, किससे मल्टीप्लीकेशन किया, 100 से. तो क्या होगा, 100 से किया तो 100 में कितने 0 आते हैं, 20 आते हैं, तो ये 4 के बाद में 20 ज्वाइंट हो जाते हैं. 10 में 10 आता है तो 10 ज्वाइंट होता है, और वैसे ही 1000 में 4 × 1000, तो क्या होगा, 4 के बाद में यहाँ पे 30 है तो यहाँ पे 30 ज्वाइंट हो जाएगा. नाउ मल्टीप्लाइंग बाय 20, 30, 40 up to 90, तो क्या होगा, टू मल्टीप्लाई अ नंबर बाय 20, 30, 40 up to 90, मल्टीप्लाई द नंबर विद द लेफ्ट डिजिट ऑफ द मल्टीप्लिकेंट एंड प्लेस अ 0 एट द एंड. तो क्या करना है, यहाँ पे जो लेफ्ट साइड में जो नंबर है उससे हमें मल्टीप्लिकेंट, यहाँ पे क्या है 6 है, उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है. तो आंसर क्या आएगा, 6 × 2 = 12. यहाँ पे क्या सिंगल 0 है तो 12 के बाद में सिंगल 0 ज्वाइंट हो जाएगा, तो हमें आंसर क्या मिलेगा, 120. देन 8 × 40, तो यहाँ पे क्या करना है, ये जो दो डिजिट है उसमें 4 लेफ्ट साइड है, तो क्या करना है, पहले 8 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो 8 × 4 = 30, और यहाँ पे 0 है वो यहाँ पे ज्वाइंट हो जाएगा. अंडरस्टूड. देन माय प्रैक्टिस टाइम 5. तो देखो 12 × 10, तो हमें पता है कि क्या होगा, 12 ऐसे ही आएगा, और यहाँ पे 10 में सिंगल 0 है तो 12 के बाद में 0 ज्वाइन हो जाएगा, तो हमें आंसर क्या मिलेगा, 120. देन 4 × 1000, तो यहाँ पे 4 है और 1000 में कितने 0 है, 30. आगे 1 ही है, 1 है तो वैसे ही रखना है. अगर यहाँ पे 2000 है तो क्या करना है, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 8 हो जाएगा और बाद में 30 है उसे ज्वाइन कर देना है, तो क्या होगा, 8000. यहाँ पे तो 1 ही है तो 4 × 1, तो 4 और बाद में 30 है वो ज्वाइंट हो जाएंगे, तो क्या होगा, 4000. देन 69 × 100, तो क्या होगा, 69 × 1, तो क्या होगा, 69 और बाद में 20 है वो ज्वाइंट हो जाएगा, तो क्या होगा, 6900. देन 34 × 10, तो यहाँ पर 10 में सिंगल 0 है तो 34 के बाद में सिंगल 0 ज्वाइंट हो जाएगा. देन 5 × 1000, तो यहाँ पे 5 × 1, 5 देन 30 यहाँ पे है वो ज्वाइंट हो जाएगा, तो क्या होगा, 5000. देन 45 × 100, तो क्या होगा, 4500. देन 8 × 100, 800. देन ब्लैंक मल्टीप्लाई बाय 400 = 3200. यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 20 आ गए, लेकिन यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 32 है, तो आपको पता है कि 4 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 32 मिलेगा. यस, 8 × 4 = 32, तो यहाँ पे क्या आएगा,
8 मल्टीप्लाई बाय 400 इज इक्वल टू 3200। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आंसर में कितने जीरो है, 20 थे, यहाँ पे भी 20 थे, तो जीरो का हमें कोई सवाल ही नहीं रहता है। और यहाँ पे 32 था, यहाँ पे 4 था, तो 8 हमें देखना है कि 4 को कौन से नंबर से हम मल्टीप्लाई करें, तो यहाँ पे आंसर हमें 32 मिलेगा। तो 4 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो हमें आंसर 32 मिलेगा। देन ब्लैंक मल्टीप्लाई बाय 300 इज इक्वल टू 900। यहाँ पे भी ऐसा है, देखो यहाँ पे 20 है, तो यहाँ पे 20 आ गए, यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 3 है, तो हमें दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन करना है। तो 3 को हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमें 9 मिलेगा, तो क्या होगा, 3 3 9, और यहाँ पे 20 है वो यहाँ पे ज्वाइंट हो जाएगा। देन 40 मल्टीप्लाई बाय ब्लैंक इज इक्वल टू 8000। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या 10 है और यहाँ पे 30 है, तो यहाँ पे क्या होगा, 20 आएगा, फिर यहाँ पे 8 थे और यहाँ पे 4 था, तो 4 को कितने से मल्टीप्लाई करें तो हमें यहाँ पे 8 मिलेगा, 4 2 0, तो क्या आएगा हमें 200 आएगा। पहले हमें 0 देखने हैं, यहाँ पे 10 थे, यहाँ पे 30 थी, तो यहाँ पे हम 20 ऐसे ही रख देंगे, फिर यहाँ पे 8 था, यहाँ पे 4 था, तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमें 8 मिलेगा। तो 40 मल्टीप्लाई बाय 200 इज इक्वल टू 8000। देन 13 मल्टीप्लाई बाय 500, यहाँ पे 00 है तो वैसे हमें यहाँ पे प्लस रख देने हैं, फिर ओके सॉरी, यहाँ पे 13 5 65 कितने हो गए, यस, तो हमें आंसर क्या मिलेगा, 6500। देन ब्लैंक मल्टीप्लाई बाय 800 इज इक्वल टू 8000। देखो यहाँ पे कितने जीरो है, 30 है, यहाँ पे सिर्फ 2 ही 0 है, तो हम यहाँ पे क्या 0 रख देंगे, यहाँ पे 8 है तो यहाँ पे भी 8 है, तो यहाँ पे हमें क्या रखना होगा, सिर्फ 1 ही रखने होंगे, तो क्या होगा, 10 मल्टीप्लाई बाय 800 इज इक्वल टू 8000। फिर देखो, मैच द फॉलोइंग, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 40, तो यहाँ पे 0 वैसे ही रहेगी, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 तो क्या होगा, 8, तो आंसर क्या हुआ, 80, तो यहाँ पे क्या आएगा, 3। देन 8 मल्टीप्लाई बाय 60, तो 0 वैसा के वैसे, और 8 6 48, तो यहाँ पे क्या आएगा, V। देन 16 मल्टीप्लाई बाय 20, तो 0 वैसे ही, 16 2 32, तो हमें क्या आंसर मिला, 320, तो यार C में क्या आएगा, डबल I। देन 7 मल्टीप्लाई बाय 90, 0 वैसे के वैसे ही, 7 9 63, तो यहाँ पे क्या आएगा, डी में आई आएगा। देन 13 मल्टीप्लाई बाय 50, 0 वैसे ही, 13 5 65, तो यहाँ पे क्या आएगा, आई वी। ये ए में क्या आएगा, 3, बी में 5, वी, सी में 2, डी में 1 एंड ई में 4, आई वी। ओके, नाउ सी द प्रॉपर्टीज ऑफ द मल्टीप्लीकेशन। नाउ द प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर एंड 0 विल ऑलवेज बी 0। अगर कोई भी नंबर है, हम उसे 0 से मल्टीप्लाई करें तो हमें आंसर क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। 1 को 0 से मल्टीप्लाई करो, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करो, या 5000 को 0 से मल्टीप्लाई करो, आंसर हमें क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। देखो 25 मल्टीप्लाई बाय 0, 0, 163 मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल टू 0। कितना भी बड़ा नंबर हो, हम उसे 0 से मल्टीप्लाई करें तो हमें आंसर क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। देन द प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर एंड 1 विल ऑलवेज बी द नंबर इटसेल्फ। अगर कोई भी नंबर है, हम उसे 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमें आंसर क्या मिलेगा, वो जो नंबर है हमें वही आंसर में मिलेगा। देखो 75 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 75, हम वैसे ही बोलते हैं ना, 4 1 4 5 1 5, वैसे ही कोई भी नंबर है उसे 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमें वही नंबर आंसर में मिलेगा। When two or more numbers are multiplicand, then the change in the order of the numbers multiply does not change the product. अगर कोई भी नंबर है, हम दोनों का ऑर्डर चेंज करें, यहाँ पे देखो 53 मल्टीप्लाई बाय 25 है, उसका जो हमें आंसर मिलेगा सेम वैसे ही, 55 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई बाय 53 का आंसर सेम ही होगा।
हमने देखा था कि एडिशन में भी हम ऑर्डर चेंज करते हैं तो एडिशन में कोई चेंज नहीं होता है, वैसे ही मल्टीप्लिकेशन में हम ऑर्डर चेंज करें तो भी उसके आंसर में कोई चेंज नहीं होगा। तो देखो माय प्रैक्टिस टाइम 6, देखो 11 फिल इन द ब्लैंक्स, 11 मल्टीप्लाई बाय 0, हमने बोला कि कोई भी नंबर है उसे 0 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमें 0 ही मिलेगा। देन ब्लैंक मल्टीप्लाई बाय 22 इज इक्वल टू 22, यहाँ पे देखो कोई एक नंबर है उसने उसका हमने किसी नंबर से मल्टीप्लीकेशन किया तो हमें आंसर क्या मिला, वही नंबर मिला। तो हमने किससे मल्टीप्लीकेशन किया होगा, यस 1 से। कोई भी नंबर है उसे हम 1 से मल्टीप्लीकेशन करें तो वो आंसर हमें वो नंबर ही मिलता है। देन 853 मल्टीप्लाई बाय 1, कोई भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमें आंसर वो नंबर ही मिलेगा। देन 35 मल्टीप्लाई बाय 40 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है दोनों की मल्टीप्लीकेशन सेम है तो क्या हुआ होगा, यहाँ पे ऑर्डर चेंज हुआ होगा क्योंकि यहाँ पे 35 है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए 40। देन देखो 28 मल्टीप्लाई बाय ब्लैंक इज इक्वल टू 0, हमें पता है कि कोई भी नंबर है उसे हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ही हमें आंसर 0 मिलेगा। देन 300 मल्टीप्लाई बाय ब्लैंक इज इक्वल टू 300, ये जो 300 को हमने कोई नंबर से मल्टीप्लाई किया तो हमें आंसर 300 ही मिला, तो नंबर कौन सा होगा 1, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी है कि कोई भी नंबर है उसे हम 1 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आंसर हमें वो नंबर ही मिलेगा। देखो 65 मल्टीप्लाई बाय 18 इज इक्वल टू 18 मल्टीप्लाई बाय 65, देन यहाँ पे हमें प्रोडक्ट क्या मिली 0, तो यहाँ कोई भी एक नंबर 0 होना चाहिए, यस, तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई किया होगा 0 से। देन 12 मल्टीप्लाई बाय ब्लैंक इज इक्वल टू 16 मल्टीप्लाई बाय 12, यहाँ पे भी 12 है, यहाँ पे भी 12 है, मल्टीप्लीकेशन है मल्टीप्लीकेशन है और प्रोडक्ट सेम है तो यहाँ पे क्या आएगा 16। ओके थैंक यू।